नमस्कार। पी रेशियो और निफ्टी के ऊपर जो पिछले 3-4 वीडियोस बनाए थे, अभी उसी टॉपिक को आगे लेके जाके एक छोटा निवेशक जब निवेश करता है तो कई बार पहले तो कई बार ये होता है कि हम कौन सा स्टॉक ढूंढे, और बहुत बार जो नए निवेशक होते हैं, चाहे विद्यार्थी होते हैं जो पहले बार स्टॉक्स में आते हैं या कोई भी, वो जहाँ पे भी स्टॉक्स की लिस्ट मिलती है, चाहे स्टॉक एक्सचेंज हो, कोई वेबसाइट हो, संकेत स्थल हो, तो ए बी सी डी ऐसे अल्फ़ाबेटिकली लगा के स्टॉक्स ढूंढते हैं और फिर वो एक एक स्टॉक के ऊपर काम करते हैं। ये सही तरीका नहीं है। अगर आपको लेट अस से MRF जैसी कंपनी ढूंढना है तो M तक आते आते आपका पूरा पेशेंस चले जाएगा। सो ये एक तरीका सही नहीं रहेगा कि आप अल्फ़ाबेटिकली ढूंढें। एक तरीका ये हो सकता है कि हम जब कुछ भी चीज़ खरीदते हैं या बेचते हैं, सो उसी टाइम पे पहला सवाल ये पूछ लेना चाहिए कि ये कंपनी लिस्टेड है क्या। जैसा हमने बाटा का उदाहरण देखा, हम जूते खरीद रहे, ये कंपनी लिस्टेड है क्या। हम घर में कुकर खरीदने लेके आते हैं तो चाहे TT के प्रेस्टीज हो, चाहे हॉकिंस हो, ये कंपनी लिस्टेड है क्या। हम बच्चों के लिए फेविकॉल फेविस्टिक लेते हैं बारिश में, डॉक्टर फिक्सिट लेते हैं, ये कौन सी कंपनी का है। पिडिलाइट, ये कंपनी लिस्टेड है क्या। सो अगर हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें रोज़ अगर ये सवाल पूछ ले कि ये कंपनी लिस्टेड है क्या। हमारे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ईक्लर्क्स में जॉब लग रहा था, तो अच्छे सैलरी पैकेजेस में स्टूडेंट्स जा रहे थे, तो हमने पहला सवाल यही पूछा कि ये कंपनी लिस्टेड है क्या, और ये कंपनी लिस्टेड थी। डिस्क्लेमर, हम जो भी कंपनीज के नाम लेते हैं हम उनके इन्वेस्टर्स होते हैं, पर एट द सेम टाइम हम सारा डेटा हिस्टोरिकल इसीलिए लेते हैं ताकि ये स्टॉक की टिप ना लगे। उद्देश्य ये है कि किस तरह से सर्वसामान्य जीवन में हम पकड़ सकते हैं स्टॉक्स को। हम किसी तरीके से स्टॉक्स, अच्छे स्टॉक्स निवेश करने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि पूरा देर होता ही है कि हमारे सामने सब जगह पे कंपनियां घूमते रहती हैं जो कि हमको आइडिया देते रहती है कि ये निवेश करने का अच्छी संधि है, पर हम उसको उस तरह से देखते नहीं हैं। तो एक अच्छा तरीका ये रहेगा कि आप जो भी करेंगे बस सवाल पूछ लीजिए कि ये कंपनी लिस्टेड है क्या करके। अगर लिस्टेड है तो फिर बाकी सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो ABCD करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। दूसरी एक बात, निवेशक गलती ये करते हैं कि मुझे छोटी कीमत के स्टॉक्स चाहिए, मुझे किंगफिशर जैसा स्टॉक चाहिए, मुझे सुजलॉन जैसा स्टॉक चाहिए कि जो 2 रुपया, 5 रुपया, 8 रुपया, पेनी स्टॉक जिसके कहते हैं, 10, 12, 15 रुपये छोटे स्टॉक्स जो होते हैं, कि जो 18 रुपये का स्टॉक हो, 20 रुपये का स्टॉक हो। क्यों? क्योंकि ये 20 रुपये का स्टॉक जो है ये बढ़ जाए, आसानी से बढ़ सकता है। किसी को ये लगता ही नहीं है कि 10,000 का MRF 70,000 हो सकता है। हम किसी को भी पता नहीं था, पर हमने देखा है पिछले वीडियोस में, तो आप वो सारे वीडियोस अगर देख के आएंगे तो आपको ये श्रृंखला में और आगे आसानी होगी। पर आज हम पहले एक उदाहरण लेंगे 4 स्टॉक्स का, और हम किस तरह से इनको देखते हैं सर्वसामान्य निवेशक, ये देखते हैं। सबसे पहले तो सुजलॉन है, जिसका भाव आप 20 रुपया पकड़ लीजिए। ITC है, 300 रुपया पकड़ लीजिए। TTK प्रेस्टीज, जब भी हमने बात करी है, 6,600 रुपया पकड़ लीजिए। और MRF 6,600 में एक और ज़ीरो लगा देते हैं। सो ये अगर 2-3 स्टॉक्स हमारे सामने हैं। अब सर्वसामान्य निवेशक का देखने का तरीका ये होता है कि वो कहेगा कि सुजलॉन 20 रुपये का स्टॉक है, तो इसके बढ़ने के इसकी बढ़ने की संधि ज़्यादा है, इसके चांसेस ज़्यादा है, और MRF तो कुछ बढ़ने वाला नहीं है, जबकि वो 60-70 हज़ार हो गया, अभी और कितना बढ़ेगा, 70 हज़ार का 1.5 लाख थोड़ी होने वाला है, हु नोज। पर वो होगा नहीं होगा वो बात अलग है, ये देखने का तरीका ही गलत है। और ये देखने का तरीका इसलिए गलत है क्योंकि आप जो देख रहे हो, लेट मी राइट इट डाउन हियर, शेयर प्राइस देख रहे हो। शेयर यानी कि इतने सारे हैं उसमें से एक समभाग, एक छोटा सा भाग का भाव देख रहे हो,
और इसलिए सही सवाल ये रहना चाहिए, मैं पहले गलत सवाल लिखता हूँ, हम क्या पूछते हैं, व्हाट इज़ द प्राइस, हम ये सवाल पूछते हैं व्हाट इज़ द प्राइस, और फिर हम देखते हैं अच्छा सुजलॉन 20 वाला छोटी कंपनी है, सो ये कंपनी है, हमने सवाल ये पूछना चाहिए व्हाट इज़ द एम कैप। जब आप मार्केट कैपिटलाइजेशन पूछेंगे तो आपका देखने का दृष्टिकोण अलग हो जाएगा, क्योंकि शेयर यानी एक छोटा सा समभाग होता है जो रिप्रेजेंट करता है, जबकि सारे शेयर्स मिला के अगर आप देखेंगे तो वो कंपनी का एम कैप होता है, ये हमने इंडेक्स कैलकुलेशन में भी देखा था। तो अगर आप अभी हमारे इन्हीं चार कंपनीज के एम कैप्स अगर हम देखेंगे तो ये लगभग 10,000 करोड़ का इसका एम कैप होगा, ITC तो हम 4,00,000 करोड़ पकड़ लेंगे, TTK प्रेस्टीज अराउंड 7,000 करोड़ का एम कैप होगा, MRF अराउंड कितना 30,000 करोड़ का एम कैप होगा। अभी यहाँ पे सुजलॉन तो ठीक है, हमने उसका फंडामेंटल किया था और तभी हमने देख लिया था इतना ज़्यादा डेट है, इतना हाई नेटवर्थ नेगेटिव नेटवर्थ है, तो इसके बढ़ने इसका ये डिस्कशन में तो कोई इसकी खास मायने नहीं रखता, इसका एम कैप कितना है 10,000 है 20,000 है, क्योंकि ये स्टॉक पिछले 5 साल से यहीं का यहीं है और ये यहीं का है ही रहने के कारण फंडामेंटल है, तो इसको हम फिलहाल हमारे डिस्कशन में नहीं रखेंगे। पर अभी सर्वसामान्य निवेशक कई बार ये सोचता है कि ITC जो कि 300 रुपये का स्टॉक है वो लेना कभी भी अच्छा रहेगा एज़ कम्पेयर टू TTK प्रेस्टीज जो कि 6,600 रुपये का स्टॉक है। MRF तो भूल ही जाओ, MRF अपने लिए है ही नहीं ज़्यादातर, वो 70,000-60,000। बट अगर आप इन दोनों या तीनों, ये तीनों इन्वेस्टमेंट कंपनीज में से अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ में से अगर आप ये सवाल पूछेंगे 300, 600, 6,000 और 66,000, तो ये लगता है कि अरे 300 वाला स्टॉक है तो ये तो भाग जाएगा ज़्यादा आसानी से। आप अगर देखेंगे तो ITC का एम कैप ये लगभग 4,00,000 करोड़ का है और जबकि TTK प्रेस्टीज का एम कैप ये लगभग 7,000 करोड़ का है और MRF ये इन दोनों के बीच में कहीं तो भी है, और इसलिए सबसे छोटा शेयर भले ही ITC का होगा, ITC सबसे बड़ी कंपनी है और इसलिए ITC कभी भी इतना ज़्यादा परतावा रिटर्न्स इन्वेस्टर को दे नहीं सकती जितना प्रोबेबली TTK प्रेस्टीज या MRF दे सकते हैं। दिस इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट कॉल, दिस इज़ जस्ट अ डिस्कशन ऑन एम कैप, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि अमेरिका का GDP अगर $14 trillion है तो वो 10% से नहीं बढ़ेगा, वो 2% से बढ़ेगा तो भी बहुत है, पर हिंदुस्तान का GDP अगर $2 trillion है तो वो 8-10% से बढ़ सकता है और बीच में कहीं तो भी चाइना आएगा $5-6 trillion। सो इट इज़ एग्जैक्टली, आपका साइज़ अगर छोटा है, साइज़ यानी एम कैप नॉट द शेयर मार्केट का प्राइस, ये ITC और MRF का अगर कंपैरिजन करेंगे तो हम सिर्फ शेयर प्राइस देख के हम लोग कहते हैं कि MRF बड़ा शेयर है, ITC छोटा शेयर है, पर इट इज़ लाइक आप हाथी का कोई पूंछ देख रहा है, हाथी का कोई सूंड देख रहा है, इसलिए पूरी पिक्चर नहीं आती। पूरी पिक्चर सामने आ गई तो आप कहेंगे कि अच्छा ITC 4,00,000 करोड़ की कंपनी है, MRF 30,000 करोड़ की कंपनी है। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर ITC 4,00,000 करोड़ की कंपनी हो सकती है, तो क्या TTK प्रेस्टीज नहीं हो सकती, क्या MRF नहीं हो सकती? छोड़िए 4,00,000 करोड़ की नहीं होगी, 7,000 करोड़ की 14,000 करोड़ तो हो सकती है, 14,000 करोड़, 28,000 करोड़, तो अगर 7,000 की ये 28,000 करोड़ भी हो गई तो भी 4 गुना, यानी कि 6,000 का शेयर 24,000 हो सकता है अगर इसने डिविडेंड स्प्लिट कुछ नहीं दिया तो। तो सोचना इस तरह से चाहिए हमें, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि शेयर का भाव क्या चल रहा है, हमें ये सोचना चाहिए कि शेयर का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या चल रहा है। इसलिए वर्ड है स्मॉल कैप, मिड कैप, टाइनी कैप, मेगा कैप, लार्ज कैप, मल्टी कैप, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। अभी अगर इसका एक भाव 66,000 चल रहा है, अब अगर इसने स्प्लिट कर दिया, लेट अस से 10 शेयर्स में स्प्लिट कर दिया, तो इमीडिएटली इसका करेगा नहीं करेगा, वी आर जस्ट हाइपोथिसाइजिंग, तो MRF का भाव 66,000 से 6,600 आने को कितना टाइम लगता है एक स्प्लिट करना है, आप
एक को 10 में डिवाइड कर दो तो भाव छोटा हो जाएगा, 10 को एक साथ मिल बढ़ा दे दो तो उसका भाव बड़ा, ऐसे से थोड़ी निर्णय लिया जाता है। ये तो हम पहले बार से कहते आ रहे हैं कि शेयर खरीदने में या निवेश करने की प्रक्रिया में शेयर का भाव ये इतना मायने कभी भी नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपकी कंपनी अच्छी है क्या, डेट कंट्रोल में है क्या, रिटर्न ऑन नेटवर्थ अच्छा है क्या, वैल्यूएशंस के हिसाब से बाज़ार महंगा लग रहा है क्या, बाज़ार गिरने की संभावना है क्या, जीएसटी आ गया, जीएसटी की वजह से अब किसको लाभ होगा, कौन से कम किसको किसको तकलीफ़ होगी, ये सारी चीज़ें होती है। ये क्या है, 300 का भाव है तो ये ऊपर है, 20 रुपये का शेयर है तो ये तो सबसे ज़्यादा भागेगा, भागा ही नहीं है ये 5 साल में, उससे ज़्यादा तो सुजलॉन भागा है या टीटीके प्रेस्टीज भागा है। तो ये एक देखना बहुत आवश्यक है कि हम क्या सोच से निवेश करते हैं। और एक बात ये भी महत्वपूर्ण है कि कोई भी शेयर ऐसा एक दिन में नहीं भागता या दो दिन में नहीं, कंपनी को बनते बनते समय लगता है। कोई भी कंपनी हो, कोई भी व्यवसाय हो, वो बनाएगा, वो रॉ मटेरियल लेके आएगा, वो लोन लेगा, वो मार्केट में डीलर्स लगाने पड़ेंगे, फिर माल बेचना पड़ेगा, फिर एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, फिर लोगों को पसंद आना पड़ेगा, फिर बीच में कंपटीशन आएगी, बीच में गवर्नमेंट का रूल चेंज होगा, कभी रुपया डेप्रिशिएट हो जाएगा, रॉ मटेरियल, कितनी सारी चीज़ें होते रहती है। और इसीलिए भी जब हम निवेश करते हैं तो कोई नई कंपनी में निवेश करने से अच्छा कभी भी ये रहेगा कि हम कोई ऐसी कंपनी देखे जिसने 10, 15, 20, 25, 30 साल से जो व्यवसाय में है। क्या होगा उससे, उससे हमें पता है कि ये कंपनी ने पिछले 2 दशक से, पिछले 3 दशक से, पिछले 4 दशक से उतार चढ़ाव देखे हैं, और उतार चढ़ाव देखने के बाद भी ये कंपनी आज खड़ी है और स्ट्रांगली खड़ी है, और इसलिए हमने ये कंपनी दे बाटा, जैसा हमने पहले उदाहरण में देखा था, या फिर बाद में MRF का उदाहरण देखा था, एशियन पेंट्स, हमने 3 उदाहरण देखे थे, आज हम TTK प्रेस्टीज देख रहे हैं, तो ITC है, ये सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो दो दो तीन तीन चार चार दशकों से अपने अपने जगह पे खड़े। और अब बीच में कोई कहता है कि फिर सत्यम जैसा हो गया, तो आप पूरा का पूरा पैसा एक ही स्टॉक में क्यों लगाते हैं, और कोई कितना देर झूठ बोलेगा। एक सत्यम होता है, हर एक कंपनी सत्यम नहीं होती, और अगर सत्यम होता भी है तो भी अब MRF देखिए, चाहे कोई भी ये TTK प्रेस्टीज, ITC, बाटा देख लीजिए, इतने साल कोई झूठ नहीं बोल सकता। तो अगर आपने नंबर्स छुपाए हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसको देख लेगा। तो इसके लिए अगर आपके पास एक, आपने अच्छी पढ़ाई करी है और अगर आपके पास एक 8, 10, 15 भी जो भी आपको कंफर्टेबल है अच्छा स्टॉक्स का पोर्टफोलियो हो, एक सत्यम हुआ तो भी चलता है ना, आप सारी इसमें सारा पैसा एक में ही मत डालिए। तो ये सारे तरीके होते हैं कि जिससे हम एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाएं, हम धीरे धीरे एक पोर्टफोलियो कैसा बनाते हैं उस दिशा में हम जा रहे हैं। तो जब हम शेयर बाज़ार में आते हैं तो हमें आना ही दीर्घावधि के लिए है। ये इस तरह के जो रिटर्न्स मिले हैं ये सारे स्टॉक्स में, ITC, TTK, प्रेस्टीज, MRF, ये सारे उन्हीं निवेशकों को मिले हैं जो दीर्घावधि तक बैठे हैं। दीर्घावधि यानी 5 साल, 8 साल, 10 साल से ज़्यादा। तो अपने पास इंडियन स्टॉक मार्केट का डेटा है। इंडियन स्टॉक मार्केट का डेटा कब से है? 3 नवंबर 1995 से। 3 नवंबर 1995 को क्या हुआ था? निफ्टी का जन्म हुआ था। निफ्टी का उस दिन का वैल्यू 1000 था, जैसा सेंसेक्स का 79 का 100 का बेस वैल्यू था, वैसे दिस इज़ द फर्स्ट वैल्यू ऑफ निफ्टी 3 नवंबर 1995। तो हमने क्या किया है, हर 3 नवंबर का डेटा हमने रखा है, यानी कि 3 नवंबर 1995, 1996, 1997, 1998, छुट्टी होगी तो 4 नवंबर, 2 नवंबर जो भी है, ऐसा करते 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 अपने पास अभी 3 नवंबर 2016 तक का डेटा है। अभी हम जून 2017 में है, इसलिए हमारे पास जून 2017 नवंबर ऑफ को डेटा नहीं रहेगा। तो ये टोटल 21 वर्ष हो गए, यानी कि 2 दशक। अब इसमें अगर आप CAGR निकालेंगे, CAGR इज कंपाउंडेड एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट। अब CAGR कैसे निकलता है? CAGR एक्सेल में रेट फंक्शन होता है, ये भी एक कर लेंगे। मान के चलिए जब एक लाइव एग्जांपल ही देख लेंगे यहाँ पे, मान के चलिए ये वाला एग्जांपल जहाँ पे 0 आंसर आ रहा है। सो 3rd November 1995 को 1000 है, और 6 साल हो गए, बिकॉज आप 95 में है, तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, और ये 6वां साल,
तो 6 साल हो गए, तो 1,000 रुपये का निफ्टी या 1,000 पॉइंट का निफ्टी 6 साल बाद अगर 997 ही रहता है, इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये ज़ीरो का ज़ीरो ही निकल रहा है, बट लेट अस टेक सम डिफरेंट वैल्यू, जैसे ये वाला लेते हैं, यहाँ पे 12% निकल रहा है, हाँ, सो आपका 3 नवंबर 1995 को 1,000 था, सो लेट अस राइट इट डाउन, 3 नवंबर 1995 1,000, और 3 नवंबर 2010 क्या वैल्यू है, 3 नवंबर 2010 को 6150, ईयर फ्रैक स्टार्ट डेट एंड डेट, तो 15 साल, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 नवंबर 2010 के आगे यहाँ पे हमने 15 साल लिखे हैं। तो अभी रेट फंक्शन में हम CAGR निकालेंगे, तो एक रेट फंक्शन होता है, रेट में एन पर पूछता है वो नंबर ऑफ पीरियड्स, तो हम एक्सेल को कहेंगे 15 पीरियड हो गए, PMT इसमें 0 आएगा, -100 -1000, इसको अगर माइनस नहीं किए तो आंसर नहीं आएगा, और ये माइनस नहीं किए इसको अगर और ये किए तो आंसर नहीं आएगा, वो एरर देगा, वो एरर इसलिए देगा क्योंकि आप जब तक पैसा देते नहीं है तब तक आपको मिलेगा नहीं, फिक्स डिपॉजिट में आप पहले पैसा दोगे तब आपको इंटरेस्ट मिलेगा, सो देयरफॉर कोई तो भी एक माइनस होना आवश्यक है, तो अगर आप इसको माइनस कर देंगे 15 साल में 1,000 की चीज 6,500 हो गई, सो दैट कम्स टू 13%, इसको अगर हम डेसिमल बढ़ा देंगे सो दैट कम्स टू 12.87 जो कि यहाँ पे आया हुआ है, सो दिस इज CAGR, CAGR स्टैंड्स फॉर कंपाउंडेड एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट। तो सबसे पहले तो ये देखना है हमें कि अगर आप पिछले 10-12 साल, पिछले 22 साल का देखेंगे, पिछले 22 साल का, 21 साल का देखेंगे तो मार्केट का CAGR ये लगभग आप देखेंगे पिछले कुछ वर्षों में 10-11-12 से, और इसीलिए जब हम शेयर बाज़ार में आते हैं तो हमने क्या अपेक्षा करनी चाहिए, हमारा पहला अपेक्षा हमारी यही रहनी चाहिए कि मुझे शेयर बाज़ार में निफ्टी से या निर्देशांक से साल भर में 12% से ज़्यादा मेरी अपेक्षा नहीं है, ये सही एक्सपेक्टेशन रहेगा जब हम मार्केट में आ रहे हैं। कई बार लोग कहते हैं एक साल में पैसा डबल होना चाहिए, वो मार्केट में नहीं बनता, शेयर बाज़ार में नहीं बनता, इंडेक्स में नहीं बनता, तो इंडेक्स में अगर आप आ रहे हैं, स्टॉक मार्केट में अगर आ रहे हैं तो मेरी साल की अपेक्षा ही 12% होनी चाहिए, 12% क्यों होनी चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पर डेटा ने बताया है। तो ये हो गया पहला भाग। अभी अगर कोई भी निवेशक केवल एक वर्ष के लिए निवेश करता है, कोई भी केवल एक वर्ष के लिए, यानी वो किसी भी एक साल एंटर कर दिया और अगले साल एग्ज़िट कर दिया, किसी भी एक साल एंटर कर लिया और अगले साल एग्ज़िट कर लिया, तो ऐसा दिख रहा है कि पिछले 21 वर्ष में 13 बार ऐसा होगा कि उसको यानी एक साल के लिए अगर आप आते हो, एक साल के लिए अगर आप आते हो तो 13 बार आपको पॉजिटिव रिटर्न्स मिलेंगे और 8 बार आपको निगेटिव रिटर्न्स मिले, यानी फॉर 1 ईयर इन्वेस्टर द प्रोबेबिलिटी इज 0.62 या फिर 60% पकड़ लो, यानी अगर आप एक साल के लिए आते हो तो 100, अगर आप ऐसे 100 बार करते हो तो 60 बार आप प्रॉफिट करेंगे लेकिन 40 बार आप लॉस करेंगे, तो इसलिए एक साल में अगर आप आते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी उतनी नहीं है। आप वही आपका होल्डिंग पीरियड अगर 3 साल करते हो, और इसीलिए आप देखेंगे कई बार म्यूचुअल फंड निवेशक, म्यूचुअल फंड एडवाइज़र्स आपको या टीवी पे या कोई भी आपको आगे कहेगा कि 3 से 5 साल तक रहना चाहिए। सी अगर आप 3 से 5 साल तक बने रहते हैं तो आपके प्रॉफिट बनाने की प्रोबेबिलिटी ये लगभग 90% के आसपास होती है, यानी कि इसका क्या मतलब होता है कि 100 में से 90 बार आपको पॉजिटिव रिटर्न्स मिलेंगे और 10 बार शायद हो सकता है कि आपका आप 3 साल निवेश कर, जैसे 2000 से 2003 अगर आप यहाँ पे देखेंगे, 2000 से 2003 का वो समय था कि जिसमें आप भले ही 3 साल तक भी निवेश करे रहे होंगे तो भी आपको रिटर्न कुछ भी नहीं मिला था, क्योंकि 2000 में 1240 था मार्केट और 2003 में 1600, तो हार्डली एनीथिंग, या 1200 का 962 हो गया था बाद में, नवंबर तक तो बढ़ गया था, पर ये 2-3 साल अगर आप यहाँ, नवंबर 99 में 1300 था,
और नवंबर 2000 में 962 था, तो 3 साल रहने के बाद भी आपको 27% माइनस रिटर्न मिला है। सो देयरफॉर देयर आर टाइम्स फॉर 3 ईयर्स या 5 साल के लिए अगर आप आते हैं तो ज़्यादातर बार तो आपको प्रॉफिट ही होगा, पर ऐसा भी कभी कभी हो सकता है कि 3 साल बने रहने के बाद भी, 5 साल बने रहने के बाद भी आपको शायद नुकसान हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, लेकिन इंडियन मार्केट का डेटा हमें ये बताता है कि आज तक कोई भी ऐसे 8 साल नहीं हुए एक साथ कि जिसमें निवेशक ने एंटर किया और 8 साल बाद उसको नुकसान हुआ है। और इसलिए जब आप शेयर बाजार में आते हो इंडियन मार्केट में, तो कम से कम 8 साल 10 साल की कालावधि पकड़ गया है। इसका एक उदाहरण लेंगे, सबसे महत्वपूर्ण, मान के चलिए आप वो निवेशक हो जिसने 2000 में मार्केट जब सबसे ऊपर था, जब 2000 में मार्केट सबसे ऊपर था, 1300 के आसपास मार्केट था। अब यहाँ पे भी अगर आपने सबसे ऊपर के लेवल पे अगर आपने ख़रीदा है, तो भी अगर आप 8 साल तक रुकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो भी 8 साल बाद 1300 का 6000 हो गया है। सो कहने का मतलब ये है कि कोई भी निवेशक हिंदुस्तान बाज़ार में, ये देखा गया है कि अगर वो कम से कम, आप देख सकते हैं 8 साल में अगर आप देखेंगे कहीं पे भी एक भी रेड कलर का नहीं है, हर बार पॉजिटिव रिटर्न्स ही आए हैं। तो इसलिए ये पूरे चार्ट में से दो चीज़ें सीखनी है, सबसे महत्वपूर्ण, एक कि आना है तो कम से कम 8 साल या 10 साल के लिए, 8 साल भी छोड़ दीजिए, कम से कम 10 साल के लिए आना है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर आप ये आंकड़ों पे ध्यान देंगे तो कहीं पे 60% है, कहीं पे 500% भी है। अभी 500% यानी ये सीधा यहाँ पे CAGR नहीं निकाला, ये सीधा कैलकुलेट किया हुआ है, इसमें कुछ भी जैसे सिंपल रिटर्न कैलकुलेट किया है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब इतना ज़्यादा रिटर्न मिलता है तो ज़्यादा रिटर्न पाने का, अगर आपको पॉजिटिव रिटर्न चाहिए तो 10 साल तक आना है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर आप एंट्री लोअर लेवल पे करते हैं तो अपने आप आपका रिटर्न ज़्यादा मिल जाएगा। ये हमारा पूरा वैल्यूएशन का जो डिस्कशन था पिछले इतने सारे, कि जब निफ्टी का पी 13 का रहता है, जब निफ्टी का पी 15 का रहता है, निफ्टी का पी 12-13 का रहता है, तब आप अगर ख़रीदेंगे तो आप, और अगर उसके बाद आप बने रहेंगे 8 साल 10 साल के लिए, तो जिस तरीके का रिटर्न्स हमारे शेयर बाज़ार ने दिया है पिछले 2 दशक में, तो उस सारा डेटा अपने सामने है। एक अच्छे निवेशक को सिर्फ बहुत सादी छोटी छोटी चीज़ें करनी है और शेयर लेके बैठना है। और अच्छे, इसीलिए बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, वो गए थे वो ये है, अगर बाज़ार में बहुत बड़ी मंदी आती है, अगर बाज़ार गिरता है, तो वो समय होता है एक अच्छा निवेशक, आपके जो भी स्टॉक्स आपने ढूंढे होंगे फंडामेंटल करके, और अगर आप अच्छे स्टॉक्स ढूंढते हैं तो आपको पता ही चलेगा कि आपको क्यों वो स्टॉक अच्छा लगता है या व्हाटएवर, तो वो स्टॉक्स अगर आप ढूंढते हैं, तो फिर जब बाज़ार गिरता है तो उस समय पर अगर आप वही स्टॉक्स बाय करेंगे और 10 साल तक बैठे रहेंगे तो रिटर्न्स तो मिलना स्वाभाविक है। ये हुआ है, ये जो भी हम सारी बातें कर रहे हैं ये हमारे बाज़ार का डेटा है, ऐसा नहीं कि बाहर से कुछ लाया, ये सारा डेटा आपको NSE से मिलेगा। तो इसलिए सर्वसामान्य निवेशक, छोटा निवेशक, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करके, महंगे सॉफ्टवेयर्स लिए बगैर, किसी के टिप्स लिए बगैर, अगर थोड़ा सा मेहनत करके अच्छे निर्णय लेता है और दीर्घावधि तक बैठता है, तो हमारे शेयर बाज़ार ने आज तक बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए और आगे चल के भी हमारा शेयर बाज़ार, क्योंकि भारत, हिंदुस्तान ये दुनिया की सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है, तो यहाँ से तो रिटर्न्स तो मिलना स्वाभाविक है, GDP अगर बढ़ेगा तो। बस करना ये है कि थोड़ी सी पढ़ाई करनी है और थोड़े अच्छे स्टॉक्स लेके दीर्घावधि तक बैठना है। तो आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, इसलिए आप सबका धन्यवाद। आगे भी इसी श्रृंखला को आगे रखेंगे, पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं उसके ऊपर थोड़े से विषय लेंगे, और किस तरह से और अच्छा कर सकते हैं, रिस्क मैनेज कर सकते हैं उसके ऊपर करेंगे। धन्यवाद।